जा रही हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, सीने पे पत्थर रख के भेजना पड़ रहा है। लेकिन कितना रियाल किलो है? ये 38। 38 रियाल। और ये 35। ये 35। इसमें इसमें क्या फर्क है? छोटा वाला कितने का आएगा? ये कितना कितना रियाल करके थोड़ा बता दो एक लाइन से। और अभी दूसरा चल रहा है यहाँ पे, जो पसंद आ रहा है रख लो, ऐसा ना हो घर जाने पे मेरे लिए ये नहीं खरीदा गया, मेरे लिए वो नहीं खरीदा। इतना सारा बिल है दोस्तों, और नेक्स्ट मार्केट ये भी अपना है, यहाँ पे भी रखा गया है। और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं, हम दोनों गए थे उमरा करने, तो उमरा करके आ गए हैं और आज जा रहे हैं बताहा, थोड़ा सा शॉपिंग कर ले और टिकट का भी काम कर ले, क्योंकि इनका टाइम आ गया वापस इंडिया जाने के लिए। इसे जा रही हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, सीने पे पत्थर रख के भेजना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अपना भी टाइम आएगा इंडिया जाने का, है कि नहीं दोस्तों? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आ गया हूँ शाहिद के पास में, क्योंकि शाहिद भी हम लोग के साथ में जाएगा बताहा मार्केट में, तो मार्केटिंग करने में थोड़ी बहुत हेल्प कराएगा। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं बताहा मार्केट, और अपने शाहिद भाई भी साथ में हैं, तो हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद में मार्केटिंग। हम लोग का नाश्ता आ गया, शाहिद भाई ठूस ठूस के खा रहे हैं अभी। खा ले भैया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोबाइल की शॉप पे आ गए हैं, और यहाँ पे दो मोबाइल, बैक कवर, गिलास, यही सब लगाना है। और ये बांग्लादेशी भाई साहब हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मोबाइल का सारा काम हो गया है, हम लोग बताह के मेन मार्केट में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जिनको जिनको सामान बेचना रहता है रोड पे बुलाते हैं, हाथ पकड़ के ले भी जाते हैं, और सब कुछ माशाल्लाह अच्छा रेट पे मिल जाता है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कौन से दुकान पे चला जाए और सामान खरीदा जाए, देखते हैं कौन सा लकी दुकान है। अभी तो शुरुआत हो रहा है भैया, यहाँ पे नकाब लिया गया है, तो यहाँ पे अभी शुरुआत हुई। तो फाइनली दोस्तों इस वाले दुकान पे अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या रेट भाई साहब लगाते हैं। तब भाई अस्सलाम वालेकुम। यहाँ का ये कितना रियाल किलो है? 38 रियाल। और ये 35। ये 35। इसमें इसमें क्या फर्क है? तो यहाँ पे पैकिंग माशाल्लाह शुरू हो गया। 20 रियाल किलो दोस्तों, 35 रियाल किलो काजू। शायद भाई कितने का शॉपिंग हो जाएगा? माशाल्लाह। बड़ा वाला एक दिखाओ, कितना रियाल करके है ये? छोटा वाला कितने का आएगा ये? 35। कितना पीस है इसमें? 12। तो काफी महंगा। अच्छा बड़ा वाला दिखा दो, कौन कितना कितना रियाल करके है, थोड़ा बता दो एक लाइन से। ये सब किलो 20 रियाल। ये 35 कितने? 35, 20, 15। और ऊपर वाला? ऊपर ये 40 रियाल। ये 20 रियाल डेरी मिल्क। और ये 25। ये भी 20, ये 30। इसमें ज्यादा हिस्से है ना? हाँ। और ये 25। यहाँ जल्दी जल्दी में बेगम साहिबा वहाँ निकल गई, और यहाँ पे मुझे इन लोगों ने सारा सामान देकर पीछे छोड़ दिया। वैसे भाई लेडीज को बताह में मत लाइएगा, काफी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है शॉपिंग में, और वो भी घर जाते समय खास करके। 15 रियाल और रात में जो है वो 10 रियाल। तो यहाँ पर रोड पे बिक रहा है, और रोड पे सब 10, 15, 20, इसी में सारा सामान मिलता है। बलूतूथ भी 20 रियाल 25 रियाल में नॉर्मली मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे लोकल मार्केट में सारा शॉपिंग हो गया है, अभी जा रहा है यहाँ से, गाड़ी निकालेंगे, पार्किंग में खड़ा किया था, और जाएंगे सीधा नेस्टो में, वहाँ से भी थोड़ी बहुत खरीदारी होगी। बैठने वाला है नेस्टो मार्केट में दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच गए हैं नेस्टो मार्केट के अंदर जा रहे हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी बम्पर अभी डिस्काउंट लगा हुआ है नेस्टो मार्केट के अंदर, देख सकते हैं इधर मोबाइल का है और इधर इलेक्ट्रॉनिक का हर एक आइटम है, लेकिन जहाँ पे ये येलो कलर का स्टिकर दिख रहा है ये पेपर, समझ लो सब डिस्काउंट में ही है। नेस्टो के अंदर अभी ज़बरदस्त शॉपिंग चल रहा है, तो मैं आप सबको कुछ शॉपिंग दिखाई देता हूँ। शाहिद भाई यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, और अभी इसमें शॉपिंग कुछ हुआ है, मैं दिखा दूँ आप सबको। ये रहा शूज़, और अभी बच्चों के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे कपड़ा पे कपड़ा, इनका पेट नहीं भर रहा है भाई कपड़े से, देख लें। यहाँ पे इतना खरीद के इसमें डाल दी हैं ट्रॉली में, और अभी दूसरा चल रहा है यहाँ पे, जो पसंद आ रहा है रख लो, ऐसा ना हो घर जाने पे मेरे लिए ये नहीं खरीदा गया, मेरे लिए वो नहीं खरीदा गया। यहाँ पे इतना बम्पर ऑफर अंडे में लगा है दोस्तों, 12 रियाल, 13 रियाल, 10 रियाल, इस तरह से अंडे में इतना ज़बरदस्त ऑफर नेस्टो के अंदर लगा है। वैसे अभी हम लोग शॉपिंग कर करके थक गए, क्योंकि
पूरा मार्केट कम से कम चार चक्कर लगाए इधर से उधर, शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ। वैसे में भी पकड़ी हुई है देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी ढूंढ रहे हैं जो चीज़ वो मिल नहीं रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काउंट इतना बम्पर है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग काउंटर पे आ गए हैं और बिल माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खासा बन रहा है, और वहाँ पे शाहिद भाई पैक कर रहे हैं और यहाँ से बिल निकाला जा रहा है, और वहाँ पे बेगम साहिबा सब थैली पकड़ी हुई है। तो बिल माशाल्लाह कितना आएगा, अच्छा खासा ही आने वाला है। तो दोस्तों अभी जस्ट नेस्टो मार्केट से बाहर निकले, और यहाँ पे इतना सारा बिल है दोस्तों, और नेस्टो मार्केट ये भी अपना है, यहाँ पे भी रखा गया है और यहाँ पे भी है। बेगम साहिबा थक गई हैं, पानी पी रही हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा वजन हो गया है, और तीनों के तीनों लोग हम लोग थैली पकड़ के अभी जा रहे हैं पार्किंग में, क्योंकि गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी है नेस्टो से। बताहा में आए हैं दोस्तों, तो कुछ लोकल मार्केट का भी सैर कर लिया जाए। तो यहाँ पर जितने भी व्यापारी ये सब दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े और मशहूर व्यापारी, ये सब बंगाली हैं दोस्तों। कितने का? 4 रियाल किलो। माशाल्लाह, प्याज 4 रियाल किलो, भिंडी 4 रियाल किलो। फाइनली आ गए होटल में, तो यहाँ पर सफर बिछा कर बैठे हुए हैं, खाली प्लेट आया है और पानी का बोतल आया है, लेकिन अभी कुछ आया नहीं है। शाहिद भाई चिकन चिल्ली निकाल रहे हैं, सलाद भी आ गया है, और यहाँ पे एक ही चिकन चिल्ली में तीन प्लेट में सर्व कर रहे हैं, और ये रहा तंदूरी रोटी दोस्तों। दोस्तों अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं रूम पे, और यहाँ पे सामान निकाल रहे हैं, देख सकते हैं पूरा सामान पीछे डिग्गी में भरा हुआ है। तो इनकी पूरी तरह से तैयारी हो गई है इंडिया जाने के लिए, और इनका जाने का समय हो रहा है दोस्तों। तो जितना समय नज़दीक आ रहा है उतना मतलब मन में खलबली, यानी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लगता ही है भाई, क्या करें। एक महीने का ट्रिप था वो भी ख़त्म होने वाला है, तो अभी पूरा सामान ले जाते हैं रूम पे, उसके बाद में सब तरतीब करते हैं। तो हैं दोस्तों सामान एकदम पूरी तरह डिग्गी में भरा हुआ है, तो अभी सारे सामान को ले चलते हैं रूम पे।